को मैंने कर दी राइड कैंसिल, बाकी दो दो पार्सल ये हैं। और भाई तीन तो छोटे छोटे हैं, वो डायमेंशन में ये तो आ जाते हैं, बाकी ये वाला पार्सल बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई। यहाँ पे देखा तो तुम्हें कितना, ये 40 सेंटीमीटर से भी ये ऐसे ज़्यादा है, ये ऐसे करके डबल है। ये वाला ये भी जाएगा? ये तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। दो तो डालिए फिर, ज़्यादा है ना, फिर डायमेंशन में नहीं है, फिर ऊपर बढ़ जाएगा पूरा। यहाँ आगे नहीं रख रख तो लूंगा, फिर चार्ज लग जाएगा। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के बज रहे 8:30 भाई। तो आज मैं निकलने वाला हूँ भाई पोर्टर को लेके फील्ड पे। बाकी भाई देखो, मैं जा रहा हूँ 8-9 दिन के बाद। तो भाई देख लो, 4-5 तारीख होगी ना, तो मैं 27-28 तारीख से मैं गया नहीं था भाई। देख लो आज कितने दिन हो गए यार, 7-8 दिन हो गए भाई, 7-8 दिन के बाद जा रहा हूँ भाई। तो देखते हैं भैया, आज है मंगलवार, तो आज का दिन कैसा जाता है क्या जाता है भाई। बाकी तो हर चीज में स्कोर गिर रखा है मेरा। बाकी भाई देखो, अगर वीडियो अगर पड़े, अगर वीडियो नहीं डालोगे तो भाई वहाँ पे भी व्यूज, वॉच टाइम सब कुछ कम माइनस में चला जाता है। तो भाई देखो, आज के बाद ना वीडियो मेरी कंटिन्यू आएंगी और पड़े ब्लॉग आएगा मेरा। तो भाई अभी निकल रहा हूँ मैं, देखो अभी 8:30 हो रहा है। तो बाकी मैंने पोर्टर की आईडी मैंने ऑन कर दी है। तो बाकी भाई देखते हैं आज का दिन कैसे जाएगा, क्या रहेगा, क्या अर्निंग रहेगी भाई, और फील्ड पे काम कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी भाई अभी राइड का वेट करते हैं भैया, और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। अभी मैं दुकान पे हूँ। बाकी ये देखो भाई, पगलेट यहाँ पे है, ये देखो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो भाई ये कल भैया दूज में वहाँ गई थी, परसों गई थी, कल आई, मैं ही लेके आया था। हाँ, जबरदस्ती लेके आया भाई, मैं ही लेके आया इसे। तो बाकी भैया अभी राइड का वेट करते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, और पूरा दिन तो मैं दिखाऊंगा भाई कैसा जाएगा क्या जाएगा। फाइनली भाई मेरे पास एक राइड आ चुकी है, 371 रुपये की राइड है भाई। ये जा रही है संजय गांधी और ट्रांसपोर्ट नगर जा रही है, और न्यू दिल्ली की राइड है ये। तो भाई 371 रुपये की राइड है और 10 नंबर गली से जा रही है। तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं भैया। पिकअप डिस्टेंस तुम्हें दिखा देता हूँ, और ट्रिप को स्टार्ट कहाँ कर रहा हूँ यार मैं, यहाँ पर देखो भाई पिकअप डिस्टेंस तुम्हें दिखा देता हूँ भाई कितना है। ये देखो भाई 3 मिनट लगने वाले हैं मुझे, ये 10 नंबर 550 मीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा। तो चलते भाई और बाकी यहाँ से निकलते हैं। ओ भाई क्या देख रहे हो ऐसे घूर घूर के। तो बाकी भाई मैंने सारा सामान ले लिया है, और बाकी ये पगलेट देखो, पगलेट को भाई इसकी नाक देख रहे हो, ये देखो ये देखो ये देख लो नाक, नाक देख लो भाई, बड़ी है ना, लंबी है ना ये देखो भाई। तो मैं चलूँ, ठीक है, शाम को मिलता हूँ मैं, ठीक है। और भाई देखो भाई, कस्टमर ने बोल दिया कि भाई वहाँ से क्या जाएगा, वहाँ से जा रहा है लैपटॉप भाई। कॉल आ गया मेरे को कि भाई वहाँ से लैपटॉप लेके आना है। तो चलते हैं भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं, ले बोला है। और बाकी भाई देखो, अपनी ब्लू रनिंग के मीटर की बात करो तो भाई 28,138 किलोमीटर चल चुकी है, और बाकी आज देखते हैं भाई ब्लू रनिंग कितना किलोमीटर चलेगी। देखो थोड़ा सा गली के अंदर आ गया मैं। हाँ जी भैया, फाइनली मैंने पार्सल पिकअप कर लिया है, और बाकी भाई 34 किलोमीटर दिखा रहा है, और 1 घंटा 11 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं। तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं भाई। ये जा रहा है द्वारिका से होते हुए भाई, वहाँ से थोड़ा शॉर्ट पड़ रहा है। बाकी भैया चलते हैं और इस राइड को कंप्लीट करते हैं भाई। देखो रोहिणी सेक्टर 18 से पहले आ जाएगा भाई, कॉल आ गया कस्टमर का, रोहिणी सेक्टर 18 लेके जाना है। तो बाकी भाई चलो चलते हैं और इस राइड को कंप्लीट करते हैं भाई। देखो मौसम भी ठंडा हो रहा है भाई, मैंने हल्की वाली जैकेट पहन रखी है। तो चलते हैं भाई, आज का दिन कैसे जाएगा क्या जाएगा वो सब कुछ बताने वाला हूँ। बाकी भाई 371 रुपये की राइड है ये। तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं भाई। सुबह सुबह 1 नंबर राइड मिल गया ना, ऐसी राइडें मिलती रहे ना भाई, तो मज़ा। अरे क्या कर रहा है मेरे भाई, मज़ा आ जाए यार। ये है द्वारिका वाली रोड, बिजवासन से होते हुए भाई देखो, इसमें पूरा डामर डाल दिया भाई, 1 नंबर रोड बन गई यार। अभी देखना, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी यार ये वाली रोड। अब भाई मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, ऐसी रोड होना भाई हर जगह ऐसी, ऐसा ही डामर पड़ा होना भाई, चलाने में अलग ही लेवल का मज़ा आ जाएगा यार। भाई लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूं, बाकी एक बार कॉल कर लेता हूं। अच्छा अच्छा हाँ जी, ब्लॉग बनाते हैं ना यूट्यूब पे। हाँ जी, ये कैमरा अलग से लगाना पड़ता है? हाँ जी हाँ जी, अलग से लगाना पड़ता है। पुराने जमाने का है ये चार्जर है। लैपटॉप मैंने भी देखा था भाई, मैंने कहा ये तो बहुत पुराना लैपटॉप है। तो बाकी भाई पेमेंट हो चुकी है, बाकी इस ट्रिप को एंड कर देता हूँ और 5 स्टार के साथ डन कर दूंगा इसे। आपको कितने मिलेंगे? तो इसमें मुझे 296 रुपये मिले। 290?
हाँ 96 रुपये, 300 रुपये लगा लो। हाँ 100 रुपये का पेट्रोल लगा लो। टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, 1.5 घंटा पूरा लग गया इसमें। फाइनली 20 मिनट वेट करने के बाद मेरे पास आ चुकी है भाई राइड, और ये तो भाई यही से जा रही है संजय गांधी, ये ट्रांसपोर्ट से ही जा रही है न्यू दिल्ली से। तो ये जा रही है भाई गुड़गांव की राइड मिल चुकी है, देखो गुड़गांव की 497 रुपये की ये राइड है। तो चलते हैं भाई गुड़गांव, और सेक्टर 35 की राइड है ये, गुड़गांव सेक्टर 35। तो चलो भाई गुड़गांव की राइड मिल गई भाई यहाँ से, अब देखते हैं भाई वहाँ से राइड मिलेगी नहीं मिलेगी भाई, नहीं तो मैं वहीं गुड़गांव में ही मारूंगा। तो बाकी चलते हैं भाई, पिकअप डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूँ कितना है, 800 मीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है। तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं। तो भाई पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे, और लोकेशन एंड यहीं पे देखा भाई, अभी खड्डे में गिर गया था यार ये। लोकेशन पे मैं कॉल कर रहा हूं आपको। कैंसिल करोगे या भी करोगे? हाँ जी, आइटम देख के कैंसिल करोगे या भी कर दोगे? क्यों, क्या जाएगा तो क्या? बड़ा आइटम है क्या? अभी तो मैं कह रहा हूं दो बाइक वाले मना कर दिए थे। अच्छा कैमरा कैमरा रिकॉर्डिंग करते हैं, व्लॉग बनाते हैं। हां जी हां जी। अच्छा दो बाइक वालों ने वो कर दिया? एक तो ये है। कौन सा? ये? हाँ और एक आदमी के साथ। एक कहाँ से? चलो देखते हैं। हाँ जी वहीं का है ये, एक ये जाएगा। इसमें है क्या? है कुछ नहीं, बस वेट है, ओवर वेट है। इसमें और कुछ जाएगा? यही जाएगा, ये सिंगल ही पैगा, इसके ऊपर एक डब्बा और आएगा। अच्छा अच्छा ये जाएगा, चलो एक बार बात कर लेते हैं है कि नहीं। भाई भाई ये देख रहे हो इतने हल्के हैं यार, लेकिन भाई डायमेंशन में नहीं है पूरा, बहुत बड़ा साइज है। दो तीसरा तो भी बाकी है, तीसरा निकालूंगा फिर तो इतना बड़ा बॉक्स एक और बनेगा तीसरा। तीनों निकाल दो, मैं अभी उसको फोटो भेज रहा हूं। हां ठीक है, तीन जाएंगे क्या? कैंसिल किया दो बंदे आए थे और साइज। अच्छा ये तीस तारीख को कैंसिल कर दिए, तो आज पहली सुबह आ रहे हैं ना, तीस तारीख का बिल है, तीस तारीख को शाम में दो बंदे बुलाए। नहीं भाई ऐसा होता ना, देखो मैं तो वहीं रहता हूँ कापाछेड़ा, अब यहाँ के बंदे गुड़गांव से राइड नहीं मिलती है, कम मिलती है राइड है, तो इसलिए बंदे नहीं गए होंगे। बात की एक्स्ट्रा के लिए। अच्छा अच्छा क्या बात हुई? हम तो ये आ गया भाई, हल्का हल्का है, और बाकी भाई दो आइटम ये है, ये छोटे साइज है, एकदम हल्के कुछ भी नहीं है भाई, देखो एकदम हल्के हैं, और ये साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो भाई एक बार बात कर लेते हैं भाई। तो भाई यहाँ पे देखो मैंने कर दी राइड कैंसिल, बाकी दो पार्सल ये हैं, और भाई ये तीन तो छोटे छोटे हैं, वो डायमेंशन में ये तो आ जाते हैं, बाकी ये वाला पार्सल बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई। यहाँ पे देखा तो तुम्हें कितना, ये 40 सेंटीमीटर से भी ये ऐसे ज़्यादा है, ये ऐसे करके डबल है। तो बाकी भाई देखो राइड कैंसिल करा दी, वो बंदा मैंने बोला भाई एक्स्ट्रा चार्ज के लिए, लेकिन बंदा क्या बोल रहा है कि भाई कंपनी की तरफ से आप ऐड करवा लो, तो भाई पोर्टर सपोर्ट में कॉल करो और वहाँ से ऐड करवा लो, मैं यहाँ पेमेंट कर दूँगा, क्योंकि मैं नहीं करता बोल रहा, कंपनी पे करती है। तो मैंने बोला भाई, तो यहाँ देखो कंपनी सपोर्ट में कॉल करके हम एक्स्ट्रा मतलब वो इसका डायमेंशन में नहीं है या फिर ओवरलोडिंग है, तो हम चार्ज बढ़ा नहीं सकते, सीधा कैंसिल ही करना पड़ता है, तो मैंने इसीलिए कैंसिल करा दी राइट। तो भाई कोई ना, हम दूसरी राइट का वेट करते हैं, बाकी भाई कोई भी बंदा आएगा नहीं लेगा, क्योंकि वो कह रहा भाई कंपनी पे करेगी, तो मैं अपनी जेब से नहीं करता, तो भाई कोई भी बंदा आएगा वो नहीं लेके जाएगा, क्योंकि भाई देखो हम कंपनी की तरफ से ऐड नहीं करवा सकते कि भाई ओवरसाइज पार्सल है मैं लेके जा रहा हूँ और इसमें इतने पैसे ऐड कर दो, ये नहीं हो सकता। और बाकी भाई देखो जो भी बंदा आएगा उसको कैंसिल ही करेगा। तो चलो भाई दूसरी राइड का वेट करते हैं यार, देखो खामो खा टाइम 20 मिनट वेट करवा दिया ना यार। अच्छा राइड तो अच्छी थी यार, लेकिन क्या करें भाई, 15 मिनट वेट करने के बाद भाई देखो मुझे यहीं से फिर से एक राइड मिल चुकी है संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से ही। तो ये भाई 153 रुपये की राइड है भाई, ये जा रही है अशोक विहार, फेस वन अशोक विहार। तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं, बाकी पिकअप डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूँ भाई, वही 500 मीटर होगा, 240 मीटर दिखा रहा है। तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं। ये देखो भाई अभी मैंने यहीं से मैंने ऑर्डर कैंसिल किया था, और फिर से मेरे पास एक राइड और आ गई यहीं से भाई, देखो कहीं उसी कंपनी से तो नहीं जा रहा भाई, अभी दिखाता हूँ तुम्हें, रुको भाई मेरे को लग रहा है ऐसा कि भाई कंपनी वही है, लग रहा है मेरे को, लग रहा है। ये लो भाई फिर से आ गया मैं भाई, वही कंपनी में आ गया देखो भाई फिर से वही आ गया मैं, अभी देखो फिर से आ गया तो लग रहा है मेरे को यहीं से, हाँ यहीं से है ये राइड, देखो भाई यहीं से मैंने कैंसिल किया था यार। नितेश भाई देखो भाई, नितेश भैया है ना, फिर से मेरे पास राइट आ गई भैया, अशोक बिहार की फिर से राइट आ गई, अशोक बिहार की नितेश भैया। हाँ जी देखो भाई वो पार्सल अभी भी यहीं पे हैं भाई, कोई नहीं लेके जाएगा इन पार्सलों को,
बंदा चार्ज नहीं दे रहा था तो पार्सल ऐसे कैसे रहे? मैं आगे बैठा था फिर राइड यहाँ से मिल गई। ये जाएंगे ये लंस रोड ना? हाँ ये वहाँ क्या है अशोक बिहार का? अशोक बिहार के पास में ही है। हाँ चलो ठीक है मैं आपको बिल दे दूँगा। ठीक है तो भाई पार्सल मिल चुका है, देखो पार्सल में क्या जा रहे हैं भाई। ये मोटरसाइकिल जा रहे हैं भाई, पता नहीं क्या है इसमें भाई, पार्ट सेट मतलब ब्रेक जा रहे हैं ये भाई देख लो। तो इनकी डिलीवरी करनी है। चलो भाई इसको कहाँ रखूँ यार मैं, समझ जाएगा। ये आ गया, फिट बैठ गया। तो बाकी भाई तुम्हें डिस्टेंस दिखा देता हूँ, ट्रिप को स्टार्ट कर देता हूँ। और पिकअप डिस्टेंस देख लो भाई कितना है भाई, 8 किलोमीटर दिखा रहा है और 27 मिनट मुझे लगने वाले हैं इसमें। तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं। तो भाई पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पे, और लोकेशन देख लो यार राइट साइड में एंड दिखा रही है यार, मुझे यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा लग रहा है। चलो भैया डिलीवरी कर दी है और ये पेमेंट जो है ये ऑनलाइन पेड है, तो इस ट्रिप को एंड कर देता हूँ और 5 स्टार के साथ डन करूँगा यार। तो चलो भाई 2 राइड कंप्लीट हो गई है। अगर अर्निंग की बात करो तो भाई अर्निंग हो गई है 419 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। अगर टाइम की बात करो तो भाई टाइम देखो भाई 2 घंटे 5 मिनट। तो भाई देखो मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा लग गया यार यहाँ पर, देखो इसकी बॉडी देखो भाई, देख रहे हो बॉडी तकड़ी है यार तेरी भाई, हैं चेस्ट तकड़ी बना रखी है। तो एक्सरसाइज किया करना, तो बॉडी सही निकल रही तेरी आगे भाई, चेस्ट सही है यार लौंडे की देख रहा। एज कितनी है अभी? 18 साल का है। देखो भाई 18 साल का एज है अभी, बंदा कुछ करता नहीं, कुछ नहीं करता है भाई, चेस्ट सही निकाल रखी है बंदे ने। ये मत खाया कर चाचा, जिम चला जा भाई। मेरे पास एक राइड और आ चुके है केशवपुरम से, मेरे पास राइड आ चुकी है भाई। ये राइड है 218 रुपये की, ये जा रही है द्वारिका सेक्टर 6। तो भाई 218 रुपये की ये राइड है। तो भाई पिकअप डिस्टेंस देख लो कितना है, तो भाई 500 मीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है यार। चलो चलो भाई इस राइड को कम्प्लीट करते हैं भाई। देखो भाई हर ऑर्डर कम्प्लीट करने के बाद भाई 20 मिनट वेट करना पड़ रहा है, उसके बाद जाके राइड मिल रही है। तो भाई पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे, एक बार कॉल कर लेता हूं। पार्सल मिल चुका है, बाकी डॉक्यूमेंट जा रहे हैं। और तो भाई तो ट्रिप को स्टार्ट कर देता हूं, और डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूं कितना है यहां से। तो यहां पे देख लो भाई डिस्टेंस 18 किलोमीटर दिखा रहा है और 49 मिनट मुझे लगने वाले हैं भाई, देखो टाइम ज़्यादा लग रहा है यार भाई। फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पर, और भाई यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक बता रहे थे यार, पूछना पड़ेगा एक बार पंजाब नेशनल बैंक। तो भाई मैं जाता हूँ पंजाब नेशनल बैंक के फर्स्ट फ्लोर पे बुला रखा है, तो बाकी इसकी डिलीवरी करके आते हैं उसके बाद मिलते हैं। तो बाकी भाई पेमेंट हो चुकी है, और बाद देखिए देखो 218 रुपये ऑनलाइन पेड है। तो इस ट्रिप को एंड कर देता हूँ और 5 स्टार के साथ ही डन करूँगा। तो भाई देखो पंजाब सिंध बैंक था और मैं पंजाब नेशनल बैंक पर चला गया। तो बाकी भाई अर्निंग की बात करो तो भाई 593 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। अगर टाइम की बात करो 3 घंटे 25 मिनट, 3 ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है। तो चलो भाई दूसरी राइड का वेट करते हैं। और मेरे पास आ चुकी है 10-15 मिनट वेट करने के बाद ही आ रही है, तो मैं हेलमेट निकाल दे रहा हूँ। तो भाई देखो ये द्वारिका सेक्टर 6 से ही जा रही है भाई, ये जा रही है उत्तम नगर की राइड मेरे को मिल चुकी है। और बाकी भाई 102 रुपये की राइड है यार, ये तो छोटी छोटी राइडें मिल रही हैं, क्या करें भाई। भाई पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे, और लोकेशन तो भाई अंदर दिखा रहा है यार, इसके लग रहा है नवनीत बंसवाल क्लिनिक यही है, लेकिन यहां पे दरवाज़ा खोल पोर्टर से पार्सल ठीक। हाँ डाल दो, थैंक यू। तो भाई पार्सल मिल चुका है, इसमें मेडिसिन जा रहा है भाई। तो बाकी इसको मैं हाथ में ही ऐसे ही ले लूँगा, और बाकी भाई तुम्हें डिस्टेंस दिखा देता हूँ कितना है भाई, ट्रिप को स्टार्ट कर देता हूँ और डिस्टेंस देख लो यार। तो देखो ये 6-6.5 किलोमीटर है और 19 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं। तो चलो भाई इस राइड को कम्प्लीट करते हैं। पहुँच चुका हूँ भाई और लोकेशन पर, बाकी भाई राइट साइड में दिखा रहा है यार मुझे ना, यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। ठीक है 102 हो रहा, ठीक है कोई ना, नहीं नहीं कोई ना, हो गया छोड़ दो। तो भाई राइट कंप्लीट हो गया, बाकी पेमेंट भी
मिल चुकी है और तो भाई डिलीवरी कर दी मैंने, तो बाकी इस ट्रिप को एंड कर देता हूँ। अब भाई हो जा 5 स्टार के साथ डन करूँगा इसे, भाई इसको डाल देता हूँ मैं बैग में यार, नहीं तो पैसे मेरे खो जाते हैं भाई, ये तो मैं पता है, डाल दिया। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ मेन रोड पे और यहीं पे सामने इसी अंदर, भाई मैं घूम के आ गया यार, रॉन्ग साइड से काट के थोड़ा बहुत, फिर गली के अंदर आना था ना, और बाहर मेन रोड से अगर मैं अपनी बिलोरानी को पार्किंग करता तो भाई वहाँ से गाड़ी भाई वहाँ से उठा के लेके चले जाते, तो इसीलिए मैं रॉन्ग साइड से मैं अंदर ही आ गया भाई, मैं सामने ही खड़ा था, देख रहे हो, आ जाओ भाई आ जाओ, बच्चे हैं यार। तो बाकी भाई अगर अर्निंग की बात करो तो भाई अर्निंग हो रखी है 675 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। अगर टाइम की बात करो तो भाई टाइम देख लो यहाँ पे वही 4 घंटे हुए होंगे, 4 घंटे 4 मिनट, 4 ट्रिप कंप्लीट हुई है यार, देख लो भाई उत्तम नगर से उत्तम नगर जा रही है 68 रुपये की राइड, ये लो भाई मैंने ले ली, अब दिखाता हूँ पिकअप डिस्टेंस कितना है उत्तम नगर से उत्तम नगर, बट 1.5 किलोमीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है, तो चलो भाई इस राइड को भी कंप्लीट करते हैं यार। लो 68 रुपये की राइड आई थी वो भी कैंसिल होगी यार, देख लो क्या कह रहे हैं यार। राइड मेरे पास और आ चुकी है, ये है महावीर इनक्लेव से जा रही है, 120 रुपये की ये राइड है भाई, और ये जा रही है भाई डाबरी, तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं, बाकी 120 रुपये की राइड है ये, 1.9 किलोमीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है, तो चलो भाई भाई एक घंटा मतलब 20 मिनट तो वेट करना पड़ा उसके बाद जाके राइड आ रही है यार, भाई राइड ही नहीं मिल रही है और छोटी छोटी राइडें मिल रही हैं वो भी 20-20 मिनट वेट करना पड़ रहा है उसके बाद राइडें मिल रही हैं। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे और लोकेशन भाई 50 मीटर दिखा रहा है आगे, यहीं पे लेफ्ट साइड में दिखा रही है भाई, आना है 4th फ्लोर पे और बाकी देख रहे हो भाई कंडीशन ये हाल हो रखे धूल से, तो चलते हैं भाई। ये लोकेशन भी बहुत उल्टी लेके चले गई, इसकी पेमेंट वहीं होगी ना, आप करोगे लो इस वो ले लो या तो फिर ऑनलाइन कर देना ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे भाई पार्सल मिल चुका है, देख तो भाई 7 किलोमीटर दिखा रहे हैं और 25 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं, तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं। भैया फाइनली पहुंच चुका हूं लोकेशन पे, 120 रुपये की राइड, मैं 1.5 घंटा लग गया यार, देख लो अभी नहीं नहीं ट्रिप को एंड कर देता हूँ, 120 रुपये की राइड थी भाई, 10 किलोमीटर तो मैं आ गया हूँ, देखते हैं इस कटपट के कितने मिलते हैं भाई, तो देख लो। तो भाई अर्निंग की बात करूँ तो 771 रुपये की अर्निंग हो चुकी है, बाकी मेरी पेमेंट भी आ चुकी है भाई, देखो यहाँ पे स्क्रीन शॉट भेजा है क्या लग रहा है मेरे को स्क्रीन शॉट, भाई ये राइड आ गए संगम, आ जा भाई एक राइड और आ चुकी है 398 रुपये की ये राइड है, और ये जा रही है भाई सागरपुर से, सागरपुर न्यू दिल्ली से जा रही है भाई गुड़गांव, पहले 2 स्टॉप है इसमें देखो, पहला स्टॉप है सेक्टर 50 और दूसरा स्टॉप है सेक्टर 46, तो 398 रुपये की राइड है, तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं, बाकी पिकअप डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूँ कितना है, तो यहाँ पे देख लो 1.7 किलोमीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है, तो कोई ना भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं। भाई पहुँच चुका हूँ लोकेशन पे और ये आनंद मोडी कोस का ही डाल रखा है भाई इन्होंने लोकेशन पे, तो बाकी कॉल कर लेता हूँ एक बार, ये जाएगा और एक है, तो ये है बॉक्स है और एक है, दो लोकेशन दे रखी आपको, पहली लोकेशन ये वाली, हाँ जी भाई रखना, ये वाला ये भी जाएगा, ये तो फिर ज्यादा हो जाएगा, दो लोकेशन डाले थे मैंने, दो तो डाले फिर ज्यादा है ना, फिर डायमेंशन में नहीं है, फिर ऊपर बढ़ जाएगा पूरा, यहाँ आगे नहीं रख रख तो लूँगा फिर चार्ज लग जाएगा, इसमें क्या चार्ज लगेगा, फिर डायमेंशन में जाता है ना, अगर इसके ऊपर रखोगे तो यहाँ पहुँच जाएगा वो, 50-60 से नहीं होगा ना, 200 रुपये कर देना, कान 550 कर देना फिर। अरे मैम कोई भी आएगा यहाँ से गुड़गांव जाना है वो सफ़र भी तो देखो ना, कोई भी आएगा तो हर कोई बंदा लेगा, क्योंकि ये दो अगर यही दो होते ना तो मैं इसका चार्ज भी नहीं लेता, यही दो होते मैं चार्ज कुछ ही नहीं लेता, मैं लेके चला जाता, तो 150 कर देना मैम। अरे तो मैम फिर ले जाने में यहाँ से भी तो देखो ना, ले जाना भी तो पड़ेगा वो भी तो देखो, है अरे वैसे तो 2 पोटर करोगे तो 2 पोटर में तुम्हें देखो कितना पड़ जाएगा, ज़्यादा ही पड़ रहा है ना, 400-800 रुपये पड़ रहा है अलग अलग करोगे तो तभी तो एक ही है जो ऑप्शन है हमारे पास, तो मैं 150 ही तो मांग रहा हूँ, दूसरा बंदा आएगा 300-300 रुपये ले लेगा, क्या फ़ायदा, तो कौन सा देना है, मैंने फिर एड्रेस भी लिखा है, ठीक है, और फिर दूसरी लोकेशन पे ये दोनों, ठीक है ठीक है।
भाई दो पार्सल मैंने आगे रखते हैं और बाकी इसको पीछे बांध देता हूँ यार रस्सी। देखो पार्सल, तीन पार्सल हैं ये, दो आगे हैं और एक पीछे है। और बाकी भाई देखो यहाँ ये राइड है 400 रुपये की, 398 रुपये की है ये, तो बाकी मैंने 150 रुपये एक्स्ट्रा बोल दिया, तो मतलब 450 रुपये मेरे मुझे इसमें मिल जाएंगे। और बाकी भाई देखो तुम्हें डिस्टेंस मैं दिखा देता हूँ यहाँ से कितना है भाई, तो भाई 33 किलोमीटर दिखा रहा है पहली लोकेशन यहाँ से देखूँ तो भाई अभी दिखा रहा था 33 किलोमीटर और बाकी अभी दिखा रहा है 31 किलोमीटर दिखा रहा है। देखो भाई थोड़ा सा गलियां हैं ना, गलियों में घुमाता ज़्यादा है, तो भाई बाकी शॉट मारने के बाद 31 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। देखो ये भाई मैं 200 मीटर आ रखा हूँ, ज़्यादा नहीं, बाकी 30 किलोमीटर दिखा, 1 घंटा 17 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं। और बाकी भाई देखो ये तीन पार्सल हैं, दो जगह ड्रॉप करने हैं, दो पार्सल तो मैं लेके चला जाता लेकिन एक अगर उस पार्सल को अगर मिलाएंगे ना तो भाई डायमेंशन में बिल्कुल भी नहीं है, तो मैंने 150 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज बोला। भाई मैडम बोल रही है भाई 50-60 रुपये ले लेना, मैंने कहा 50-60 रुपये नहीं, ऐसे गुड़गांव जाना है, तो भाई मैं 150 रुपये मैंने चार्ज बोला, तो भाई मैंने कहा मेरा तो घर उधर ही है, दूसरा बंदा आता तो 200 रुपये मांगता पूरा, तो भाई वो ऐसे थोड़ा बहुत 100 रुपये लेना बोले थी, मैंने कहा 150 मैम 150 रुपये कर देना, तो बाकी मान गई है। तो अभी भाई मैं लेके जा रहा हूँ, बाकी इसको डिलीवरी कर देते हैं भाई पहली लोकेशन पर। और भाई इसके अंदर दिखा रहा है यार लोकेशन, भाई मैं यहीं पे पार्किंग कर दूंगा और भाई मैं चलता हूँ सेकंड फ्लोर पे जाना है भाई। और भाई देखो पहला पार्सल है मेरा ये वाला, तो नीचे वाला ये जाएगा, यहाँ पे लिखा है ना, कहाँ गया हाँ C214। तो भाई जो पहला स्टॉप था मेरा वो कंप्लीट हुआ, तो दूसरा स्टॉप के लिए स्टार्ट करता हूँ भाई। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं तुम्हें लोकेशन, भाई डिस्टेंस कितना है देख लो भाई, 3.4 किलोमीटर दिखा रहा है, 10 मिनट मुझे लगने वाले हैं इसमें, तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं। तो भाई फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पर और भाई लोकेशन तो यहीं पर एंड दिखा रही है, कहाँ से इससे ठीक, तो चलो भाई डिलीवरी करके आते हैं। हेलो मैम, एक ऊपर का उठा लो, ये लो ठीक है ना, दो पार्सल हैं, ठीक है थैंक यू मैम। भाई फाइनली पेमेंट हो चुकी है, बाकी 566 रुपये कर दिए मैडम ने, तो बाकी भाई इस ट्रिप को एंड कर देता हूँ और 5 स्टार के साथ डन करूँगा इसे मैं। अगर अर्निंग की बात करो भाई 1104 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। अगर टाइम की बात करो, टाइम देखो 7 घंटे 47 मिनट, 6 ट्रिप कंप्लीट हो चुकी हैं, तो चलो भाई दूसरी राइड का वेट करते हैं। फाइनली मेरे पास एक राइड और आ चुकी है, देखो सेक्टर 51 से जा रही है भाई, ये जा रही है भाई सेक्टर कितना, सेक्टर 72। तो बाकी भाई पिकअप डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूँ, 114 रुपये की ये राइड है, तो बाकी पिकअप डिस्टेंस देख लो यार कितना है भाई, 2.2 मतलब 2 किलोमीटर दिखा रहा है, 6 मिनट मुझे लगने वाले हैं इसमें। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे और लोकेशन एंड यहीं पे दिखा रहा भाई, ओ मैं इससे पहले भी आया हूं यार यहां पे, हाँ जी। तो बाकी भाई मेडिसिन जा रहा है और बाकी पिकअप डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूं कितना है यहां से, यूट्यूब पे भाई 6 किलोमीटर दिखा रहा है, 6.8 किलोमीटर दिखा रहा है और 20 मिनट मुझे इसमें लगने वाले हैं। पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पर और यहाँ पर देने भाई इन फ्लैट हूँ मैं यार, फिर से टाइम वेस्ट, वहाँ पे एंट्री करवा वो करवा वो करवा सब कुछ करवाना। भाई आ चुका हूँ मैं टावर नंबर 3 पे और बाकी इसकी डिलीवरी करके आते हैं और उसके बाद मिलते हैं भाई, देख रहे हो ऊपर जाना पड़ेगा भाई 8वें फ्लोर पे। तो बाकी भाई पेमेंट हो चुकी है, 114 रुपये की राइड थी, बाकी भाई टाइम तो यार 1 घंटा पूरा लग जाता है इन फ्लैटों में, जाओ आना जाना सब कुछ, तो बाकी 5 स्टार के साथ डन करूँगा मैं इसे। तो देखते हैं भाई दूसरी राइड का वेट करते हैं भाई, अर्निंग की बात करो उसमें भाई 1195 रुपये की अर्निंग हो चुकी है, 1200 रुपये लगा लो और 150 रुपये मेरे वो लगा लो एक्स्ट्रा, तो भाई 1300-1350 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। तो भाई फाइनली मेरे पास एक राइड और आ चुकी है भाई, ये राइड जा रही है भाई सेक्टर 72 से IVIS न्यू दिल्ली एरो सिटी जा रही है भाई, और ये IGI रोड दिखा रहा है और बाकी भाई 267 रुपये की राइड है ये, तो बाकी पिकअप डिस्टेंस तो मैं दिखा देता हूँ कितना है भाई, 2.8 किलोमीटर पिकअप डिस्टेंस दिखा रहा है, तो चलो भाई इस राइड को कंप्लीट करते हैं। तो भाई फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं लोकेशन पे एक बार, ले जाएगा इसमें तो वो लग रहा है मेरे को, भूख लग रही है, भूख नहीं है, पंप प्लेट है, प्लेट। अच्छा अच्छा, तो इसकी पेमेंट वही होगी, पेमेंट वही होगी ठीक। तो बाकी भाई पार्सल मिल चुका है भाई, डिस्टेंस आ जा मेरे भाई, भाई 25 किलोमीटर दिखा रहा है,
एक घंटा 11 मिनट मुझे लगने वाले हैं भाई इसमें। तो भाई फाइनली पहुंच चुका हूं मैं लोकेशन पे। और भाई क्या लगा रखा भाई? कैमरा है भाई ये, भाई ये जोमेटो वाले हैं बंदे। हाँ जी, किसमें हो? पोटर। पोटर? हाँ जी। पोटर में कैमरा जरूर पड़ता है। अरे ब्लॉग बनाता हूँ ना मैं, ब्लॉगिंग करता हूँ ना। तो भाई मुझे देना है रिसेप्शन पे देना है ये, और तो बाकी इसकी डिलीवरी करके आते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो बाकी भाई पेमेंट हो चुकी है, 267 रुपये की ये राइड थी। बाकी इस राइड को कंप्लीट करता हूँ और 5 स्टार के साथ इसे डन करूँगा भाई। तो भाई ये थी IVIS हॉस्टल, और बाकी इसी बगल में भाई एयरपोर्ट भी है। तो चलो भाई अगर अर्निंग की बात करो तो भाई अर्निंग देखो 1408 रुपये की अर्निंग हो चुकी है, और बाकी 150 रुपये मेरे एक्स्ट्रा, तो 1500 रुपये की अर्निंग हो चुकी है। अगर टाइम की बात करो तो भाई टाइम देख लो भाई, 10 घंटे 8 ट्रिप कंप्लीट हो चुकी हैं। तो भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ भाई एयरपोर्ट, और भैया को लाया था मैं महिपालपुर से। और बाकी यहाँ पे देखो भाई जहाज़ यार, देख रहे हो ये? तो भैया जा रहे हैं भाई रूस जा रहे हैं, और आज भाई महिपालपुर से भैया बोल रहे थे भाई मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो ये Terminal 3 पे। तो भाई वहाँ की पहुँच चुका हूँ भाई, देख रहे हो? यह है दिल्ली का एयरपोर्ट। तो भाई मैं आया हूँ अभी एयरपोर्ट, और बाकी भैया जी हमारे भैया जी को ड्रॉप करने आया हूँ भाई, महिपालपुर से आया हूँ भाई मैं ड्रॉप करने भैया को, और यहाँ पे एयरपोर्ट पे। और बाकी अभी चलते हैं भाई। बाकी गाइस पहुँच चुके हैं भाई Terminal 3 पे, और बाकी भैया को यहीं पे ड्रॉप करना है भाई, देख रहे हो भाई यहीं से एंट्री होगी इनकी। ओके थैंक यू भैया। कहाँ जा रहे हो? रूस जा रहे हो ना? तो भाई भैया जा रहे हैं और रूस जा रहे हैं भाई, देखो इनके इनके फ्लाइट है। कितने बजे है भैया फ्लाइट? फ्लाइट सुबह 5 बजे की है। सुबह 5 बजे की है? तो तुम तो बहुत जल्दी आ गए फिर, अभी तो कितना 9:30 हो रहा है। अच्छा अच्छा यहीं पे बैठोगे फिर? अच्छा अच्छा चलो ओके भैया, हैप्पी जर्नी भैया। तो भाई मैंने ये राइड ली थी भैया महिपालपुर से। तो भैया ने बोला भाई भाई मेरे को वहाँ पे मैं खड़ा था, मतलब बैठा हुआ, मतलब बैठ रखा था मैं वहाँ पे स्कूटी लगा के महिपालपुर में ही। तो भैया बोल रहे भाई मेरे को एयरपोर्ट छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है भैया। तो बोले थे कितना लोगे? मैंने कहा 100 रुपये दे देना। तो भैया ने कहा चलो यार चलते हैं भाई। मैंने पूछा था फिर भैया से पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? तो बोल रहे भाई मैं रूस जा रहा हूँ, और सुबह की मतलब फ़्लाइट है इनकी 5 बजे की। और बाकी भाई मैंने छोड़ दिया। बाकी देखो यार पहली बार आ रहा हूँ भाई मैं यहाँ पर, और 100 रुपये दे दिए भाई। और कितना किलोमीटर था? 3-4 किलोमीटर था। तो बाकी अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीधा घर ही जाऊँगा अब मैं। बाकी मैंने पोर्टर और उसकी आईडी तो मैंने ऑफ कर दी, ऑफलाइन चला गया। फाइनली पहुँच चुका हूँ भाई रूम पे, और बाकी भाई देखो बाकी भाई अपनी बिल्ली रानी के मीटर की बात करें तो भाई 28,321 किलोमीटर चल चुकी है। और बाकी टाइम की बात करें भाई टाइम देखो 10 बज रहे हैं अभी। तो चलो अपनी बिल्ली रानी के अंदर रोटी बना रही है। सब्जी काय की बना रखी है? सब्जी बनाई काय अभी। काय की बना रही हो? पता नहीं जो बन जाए। अभी सब्जी का कोई फिक्स नहीं है मतलब। फाइनली आज है दूसरा दिन, बाकी कल का व्लॉग एंड नहीं किया था। अगर तो कल के अगर पोर्टर की बात करो तो भाई, तो कल पोर्टर में जो अर्निंग हुई थी वो 1400 रुपये की हुई थी, और बाकी भाई देखो 150 रुपये मेरे एक्स्ट्रा जो पार्सल में लिए थे, और 100 रुपये एक बंदे को मैंने महिपालपुर से मैंने एयरपोर्ट छोड़ा था। तो भाई अगर इस सबको अगर जोड़ जाए तो भाई 1658 रुपये की अर्निंग हुई, जिसमें 410 रुपये का मेरा तेल निकाल दो अपनी बिल्लो रानी का। तो बाकी भाई देखो 1248 रुपये कल मेरी सेविंग होगी कल के दिन में। और कल अपनी बिल्लो रानी 184 किलोमीटर चली पूरे दिन। और बाकी भाई देखो एक जो राइड सबसे मैं जो मेरा मतलब काम जो ढीला हुआ ना वो गुड़गांव की जो राइड जो कैंसिल हुई ना, मतलब जो बंदे ने बोला था कि भाई उसमें ऐड करवा लो करके पैसे भाई, जो भी पार्सल तुम्हारा साइज बढ़ा हुआ है तो वहाँ से कंपनी कॉल करके ऐड करवा लो। भाई कंपनी ऐड नहीं करेगी, और बाकी हम करवा भी नहीं सकते, वो बंदा भी नहीं करवा सकता भाई, वो खुद ही बोला था भाई मैं नहीं करवा सकता। तो बाकी मुझे कैंसिल करनी पड़ी। तो भाई अगर वो राइड अगर मुझे मिल जाती ना भाई तो मेरे 12 बजे मतलब मेरी सेविंग मतलब 18-19-2000 प्लस हो जाती। तो बाकी अच्छा काम 12 बजे ही मैं 1000 रुपये मेरी मतलब हो जाती, 12 बजे 1000 रुपये हो जाती मेरी। तो भाई बाकी इतना ही है भैया। तो आज देखते हैं भाई, आज भी जाऊंगा, अभी थोड़ी देर निकलूंगा, अभी वीडियो एडिट करनी है भाई, पोस्ट भी करनी है,
वीडियो तो टाइम लग जाएगा 2-3 घंटे, तो देखते हैं आज कितने बजे यहाँ से निकलूंगा मैं। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। तो गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करेगा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगली वीडियो जल्दी आप तक पहुँचे। बाय बाय।